डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। तो इसमें हमने स्टडी कर रहे थे ब्रेन के बारे में, सॉरी ब्रेन के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड में हम जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, स्पाइनल कोड का फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस में, उसको हम कवर करेंगे। तो स्पाइनल कोड में इस टॉपिक के अलावा एक टॉपिक और दे रखा है हमें। तो मेन जो क्या होता है, फंडा क्या है स्पाइनल कोड में, दो ही नाम आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एफरेंट इफरेंट, सेंसरी और मोटर। क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है स्पाइनल कोड का, इन्हीं नर्व्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी टॉपिक आ जाए आपको, सेम प्रोसेस होगी उसके अंदर, सेम ही जो भी इम्पल्स ट्रांसफ़र होगा सेम ही उसकी प्रोसेस होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 16 लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का। इससे पहले 15 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो टॉपिक है हमारा स्पाइनल ट्रैक्स। अब स्पाइनल, इससे आप समझ सकते हैं कि स्पाइनल कोड है हमारा, उसका ही कोई टॉपिक है। ट्रैक का मतलब ये हमारी स्पाइनल कोड है। अब ये तो है नहीं कि यही सभी ऑर्गन में पहुंच जाएगी। तो जो इसके नर्व्स होते हैं जो इंपल्स को लेके आते हैं और लेकर जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम स्पाइनल ट्रैक और स्पाइनल नर्व्स। तो जो स्पाइनल ट्रैक है बेसिकली स्पाइनल नर्व्स ही होते हैं जो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। अब कौन सी ऐसी नर्व है जो मेन इंपॉर्टेंट नर्व्स है जो इंफॉर्मेशन को लेके आती हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम में, ब्रेन में, और देन उसको लेके जाती है, वो है हमारी सेंसरी एंड मोटर नर्व। इनको अलग टाइप से बोले तो एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट इफरेंट क्या है, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर मेक अप मोस्ट ऑफ द नर्व ऑफ पीएनएस। जो भी पीएनएस की नर्व्स हैं बेसिकली सेंसरी एंड मोटर से मिलके बनी हुई होती हैं। द सेंसरी नर्व फाइबर कन्वे, अब जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं वो क्या लेके जाते हैं, एफरेंट इम्पल्स। अब एफरेंट इम्पल्स क्या होता है कि कोई भी रेस्पॉन्स आया, मान लो आपने यहां पर पिन चुबाई, तो ये इम्पल्स जो होगा वो होगा एफरेंट इम्पल्स। ये कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व। और ये जो टॉपिक है कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक सेपरेट टॉपिक मिलने वाला है, उसमें काफी हद तक आपको समझने को मिलेगा। उससे पहले ही आप सीख जाएंगे कि ये क्या प्रोसेस है। तो वो जो मैसेज है वो यहां से ब्रेन तक जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू, और क्या होता है वो एफरेंट इम्पल्स। समझ में आ गया। अब इसका अपोजिट एक्शन कहां करना है, हमें यही करना है। मैसेज चला तो गया ब्रेन में, लेकिन अब वापस भी तो आना चाहिए उसको। तो जो फ्रॉम द सेंसरी एंड ऑर्गन टू द ब्रेन वाइल द मोटर नर्व फाइबर कन्वे द इफरेंट इम्पल्स। अब जो इफरेंट इम्पल्स है वो हमारा ब्रेन से मैसेज जो होगा कि क्या करना है इस कंडीशन में, तो वो वापस यहाँ आएगा कि हाथ को पीछे हटाओ। तो वो जो मैसेज है वो है मोटर नर्व के थ्रू कन्वे होगा, और उसको बोलते हैं एफरेंट इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन थ्रू द स्पाइनल कोड। तो ये कंप्लीट लाइन आपको समझ में आ गई होगी, मैं फिर से इसको रीड कर देता हूँ। The sensory nerve fiber convey afferent impulse from the sensory end organ to the brain. Brain के पास लेके जाते हैं। While the motor nerve fiber convey afferent impulse from the brain to the effector organ, जहां पर हमें effect करना है या effect हुआ है, through the spinal cord. अब spinal cord हमने बोल दिया, लेकिन जो nerves हैं वो ही तो लेके जाएगी spinal cord के through. एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड, इनमें अगर कोई भी इफेक्ट होता है तो यही प्रोसेस काम करती है।
स्पाइनल ट्रैक में भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब तो आप कोई भी बता सकते हैं कि कितने टाइप के होंगे हमारे स्पाइनल ट्रैक्स। फर्स्ट है सेंसरी ट्रैक, सेकंड है मोटर ट्रैक। अब आप बता सकते हैं कि सेंसरी ट्रैक के अंदर क्या होने वाला है और मोटर ट्रैक के अंदर क्या होने वाला है। दीज ट्रैक आर ऑल्सो नोन एज असेंडिंग और एफरेंट नर्व ट्रैक। क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग या एफरेंट नर्व ट्रैक। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड ग्लैंड। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब कि जो भी मैसेज आया उसको इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, कंडक्शन का मतलब ट्रांसफर करेगा ब्रेन की ओर एंड ग्लैंड। तो ये हो गया हमारा सेंसरी ट्रैक। सेकेंड है मोटर ट्रैक, इसका अपोजिट हो जाएगा। दीज ट्रैक आर ऑल्सो नोन एज डिसेंडिंग और एफरेंट नर्व ट्रैक। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन। ये लेके आएगा कहाँ से, ब्रेन से, टूवर्ड द इफेक्टर ऑर्गन, जहां पर हमें इफेक्ट करना है। बात कर लेते हैं फंक्शंस की, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स की। तो ये सेंसरी नर्व होती हैं, रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन को। इजी हो जाएगा इन चीजों से आपको, मतलब ये जो टॉपिक है ना सेंसरी और मोटर का, अब मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ चुका है अगर दो लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं। ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम द स्किन मसल्स एंड जॉइंट टू द CNS। इसका मतलब क्या है, ये आपकी स्किन है, मसल्स है, कुछ भी है, कंप्लीट बॉडी है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाता है कहाँ तक, ब्रेन तक, CNS तक। ये काम किसका हो गया, एफरेंट नर्व का। अपोजिट काम हो जाएगा इफरेंट का। मोटर नर्व होती हैं, सेंड करती हैं इंफॉर्मेशन को ब्रेन से, कैरियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम CNS आउट टू द मसल्स और ग्लैंड, ब्रेन से मसल्स तक जो भी इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ तक लेके जाते हैं। तो ये आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होगा, टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। आगे एक टॉपिक और है स्पाइनल कोर्स में, तो उसको हम स्टडी करेंगे। सेम मतलब यही, उसके अंदर हमें स्टडी करना है असेंडिंग डिसेंडिंग जो होता है, सेंसरी मोटर नर्व्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही जल्द ही कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट को, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।